हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमन एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम कुछ अलग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक तरीके की न्यूज़ सीरीज़ होगी जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और थर्ड टेस्ट मैच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। इसी मैच के दौरान दूसरे दिन मोहम्मद सिराज बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के कुछ दर्शकों ने उनके साथ कुछ नस्लीय टिप्पणी करी, जिसके बाद सिराज ने ये बात अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे को बताई और उन्होंने इस बात को अंपायर और रेफरी को बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने 6 लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया और इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से माफ़ी भी मांगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह की नस्लीय टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, मैच के तीसरे दिन भी इंडिया के 2 प्लेयर पर फिर से नस्लीय टिप्पणी करी गई। इस बार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह थे और इस बात की शिकायत इस बार BCCI ने भी करी। तो पूरा वाक्य यह था कि जब मोहम्मद सिराज बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे तब कुछ लोग उन्हें मंकी कह रहे थे, पर जसप्रीत बुमराह को क्या कहा गया था इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।